नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। कोको कोला पीने से कैंसर का जोखिम है, यह बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कही है। उसने चेतावनी जारी करते हुए कहा, कोको कोला समेत अन्य ड्रिंक्स और फूड आइटम को मीठा करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टमेंट से कैंसर होने का खतरा है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर जुलाई में एस्पार्टम को ऐसे पदार्थों की लिस्ट में शामिल करेगी जिनसे कैंसर हो सकता है या इसका खतरा बढ़ सकता है। एस्पार्टम का इस्तेमाल कोको कोला, डाइट सोडा से लेकर मार्स एक्स्ट्रा च्युइंगम और कुछ अन्य ड्रिंक्स में होता है। WHO ने अभी ये नहीं बताया है कि एस्पार्टम युक्त उत्पाद का कितनी मात्रा में सेवन सुरक्षित है, नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ का कोई कितना सेवन कर सकता है। ये सुझाव WHO की एक अलग एक्सपर्ट कमेटी देती है। आमतौर पर यह सुझाव ज्वाइंट WHO एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स देता है। एडिटिव्स पर WHO की समिति JECFA इस साल एस्पार्टम के इस्तेमाल की समीक्षा कर रही है। 1981 में JECFA ने कहा था कि अगर एक सीमा तक रोज एस्पार्टम का सेवन किया जाता है तो यह सुरक्षित है। उदाहरण के लिए 60 किलोग्राम वजन वाला एक शख्स अगर दिन में 12 से 36 कैन डाइट सोडा पीता है तो वो जोखिम उठा रहा है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी।